हेलो फ्रेंड्स, आज हमने ये साइट लगी है, इस पर एच पे लगेगी और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर एच पे लगेगी। जो आपको देख रहे हो ये फर्स्ट सीलिंग है और ये सेकंड सीलिंग है और ऊपर एमएस का काम हुआ हुआ है, जो लोहे का काम हुआ है इस पर एच पे लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एप्लीकेशन पर। आज हम आपको बताएंगे एच पी एल कैसे लगाई जाती है ग्रुप में। ये हमारी सीट है एच पी एल सीट, इसकी थिकनेस होती है 6 mm की। इसकी थिकनेस देख लो आप, इसकी मोटाई होती है 6 mm की, 6 mm की, इसको एच पी एल बोलते हैं। ये सीट इधर लगानी है सीलिंग में, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसकी हमने फ्रेमिंग स्टार्ट कर दी है, फ्रेमिंग हो चुकी है, इसकी अब सीट लगानी स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस सीट में ग्रू लगाएंगे। इसकी चौड़ाई होती है 6-6 इंची की, इसमें हम 6-6 इंची के प्लैंक दिखेंगे इसके। ये जीरी बैंड करने के लिए लगाने लग रहे हैं, जिससे बैंड होएगी सीट, 90 डिग्री पर फोल्ड होएगी। और इसके बाद सीट लगा के दिखाएंगे। ये देखो, हमने सेकंड फ्लोर की सीलिंग पर सीट लगा दी है और इसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर लगानी स्टार्ट कर दी। ये पूरे प्रॉपर तरीके से लगती है, ये पेस्ट होती है, इसमें कोई भी स्क्रू नहीं लगता। और इसके बाद ये पूरी सीलिंग हो जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका एच पी एल लगाने का, ग्रू मार के एच पी एल लगती है। ये हमारी सीलिंग भी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद स्प्रे लगेगा इसके अंदर। ये देखो, हमने जो ग्रू मारे थे उसमें स्प्रे मार दिया है। इसके बाद रैपर उतार कर दिखाएंगे, इसका ऊपर का रैपर। इसकी ये वाली लुक आएगी स्प्रे मारने के बाद उस ग्रू में। बहुत अच्छा लग रहा है ये वाली वीडियो। और पूरी का ही रैपर उतार के दिखाएंगे कैसी लुक आई हुई है इस साइट की। हमने ये वाली सीलिंग भी होगी टॉप फ्लोर वाली। इसके बाद हम आपको बताएंगे रैपर वाली कैसी आती है लुक और बिना रैपर के कैसी आती है लुक। ये तो रैपर वाली होगी, अब ये बिना रैपर की। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।